हेलो एवरीवन, वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो इस वीडियो पे हम कंप्लीट बीर बार के फुली डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है लार्ज बेसिन, बाथ टॉवल, फेस टॉवल, किडनी ट्रे, ग्लव्स और यहाँ पे कॉटन स्वैब एंड सॉप और यहाँ पे पाउडर एंड जॉक विथ वन हॉट वाटर एंड कूल वाटर एंड पेपर बैग और यहाँ पे लिया है टॉवल्स एज पर रिक्वायर्ड बेड शीट्स एंड यहाँ पे अगेन टॉवल्स एंड पेशेंट क्लोथ्स। सबसे पहले पेशेंट के प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए स्क्रीन या कार्टन को यूज़ करना है। अगर विंडोज़ ओपन है तो विंडोज़ पे कार्टन रहना है एंड पेशेंट को कंफर्ट रखना है। अगर फैन ऑन है तो फैन को ऑफ रखना है क्योंकि पेशेंट को हाइपोथर्मिया भी हो सकते हैं। अगर हमारे पेशेंट कॉन्शियस है तो सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है और पेशेंट को कंफर्ट रखना है। ड्यूरिंग बेड बार और ड्यूरिंग पोस्चर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में पेशेंट को बताने के लिए पेशेंट को फुली कम्प्लीटली पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सपायर रिमाइंडर, सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करने से पहले ठीक तरह से हैंडवॉश करना है। एंड नेक्स्ट, खुद का पर्सनल प्रोटेक्टिव के लिए ग्लव्स को ठीक तरह से पहनना है। हमने पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन भी किया है और पेशेंट का ड्रेस भी सेंड से। अभी हमने पहले मॉक से हॉट वाटर लिया और उसके बाद हम लोग कूल वाटर लेंगे, उसको ठीक तरीके से सेक करके मिक्स करेंगे और उसको वार्म वाटर बनाएंगे ताकि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने से पहले पानी का टेम्परेचर चेक करना ज़रूरी होता है। अगर हमारा पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट के हाथ को लगा के भी चेक कर सकते हो ताकि उसको पूछ सके कि ये पानी गर्म या नॉर्मल है। एंड फिर से रिमाइंडर के लिए दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पानी को पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने से पहले हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि पेशेंट के उंगली को लगा के यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हो कि पानी ज़्यादा गर्म या ठीक है, उसको पूछ सकते हो अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो। अगर पेशेंट उसी सेम वाटर से बाथिंग करने के लिए रेडी हुआ तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसीजर पर जाएंगे। अगर पेशेंट बोले कि ज़्यादा गर्म है तो उसी के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले पेशेंट के फेस को क्लीन करना है, इसलिए हमने तकिया को हटाया। पेशेंट के नीचे हमने टॉवल दिया ताकि बेडशीट ज़्यादा गीला और वेट ना हो। सबसे पहले आई को क्लीन करने से पहले आई पे कोई रेडनेस या रैशेस है कि नहीं देखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने सॉफ्ट कॉटन लिया है, सॉफ्ट कॉटन को हमने पानी पे टैप करके स्क्वीज किया है और उसके बाद हमने पेशेंट के आई के इनर लेयर से आउटर लेयर तक ऐसे हम लोग क्लीन करना है। सिमिलरली बोथ साइड पे और बोथ आई पे क्लीन करना है। ऐसे ही हमने पेशेंट के आई को कम्प्लीटली क्लीन किया है एंड अभी पेशेंट के फेस को क्लीन करना है, इसलिए हमने बाथ टॉवल लिया एंड हैंड टॉवल को राउंडली ऐसे रैप करके नीचे से टक करना है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड हैंड टॉवल से पानी लेके पानी को यहाँ पे देख सकते हो स्क्वीज करना है क्योंकि पेशेंट के फेस को ज़्यादा गीला ना हो। इसीलिए यहाँ पे हमने पहले फोरहेड लिया, फोरहेड से यहाँ पे सिक्स टक लेके आया, यहाँ पे वन टू करके देख सकते हो। सिमिलरली बोथ साइड पे ऐसे ही करना है और उसके बाद नोज को करना है, यहाँ पे देख सकते हो। ध्यान से करना है, करने के टाइम पे पेशेंट के आँख पे ना जाए, उसी को ध्यान पे रखना है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने सॉप लिया है, सॉप से सेम प्रोसेस, पहले फोरहेड पे करना है, उसके बाद चीक्स पे करना है, उसके बाद नोज पे करना है, सेम अप्लाई करना है। यहाँ पे प्रोसेसर देख सकते हो, लेकिन जब भी हम सॉप से पेशेंट के ऊपर क्लीन करेंगे तो ध्यान पे रखना है ताकि पेशेंट के आँख पे ना जाए। एंड नाउ उसी तरीके से सेम प्रोसेस हमने वाटर से करना है, पहले फोरहेड पे एंड उसके बाद सिक्स पे नुक्स पे करके हम लोग सेम प्रोसेस करना है क्लीन वाटर से, यहाँ पे देख सकते हो प्रोसीजर। एंड अभी पेशेंट के फेस को उसी टॉवल से धीरे से क्लीन करके ड्राई करना है, रैपली नहीं करना है, हम लोग धीरे से पेशेंट को क्लीन करना है। यहाँ पे देख सकते हो पेशेंट के फेस कम्प्लीटली क्लीन है। अभी पेशेंट के फेस क्लीन करने के बाद पेशेंट के आर्म को क्लीन करना है। पेशेंट के आर्म को क्लीन करने के टाइम पे सीट पर से पेशेंट के आर्म को ही एक्सपोज करना है, बाकी बॉडी पार्ट को एक्सपोज नहीं करना है। यहाँ पे हमने बाथ टॉवल लिया है, बाथ टॉवल को फिर से पानी पे टैप करके फिर से स्क्वीज करना है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद
पेशेंट के हैंड को धीरे से उठा के फिंगर से लेके आर्म तक क्लीन करना यहाँ पे देख सकते हो। पहले पेशेंट के सुपीरियर सरफेस को क्लीन करना है, पहले सिंगल फॉर्म करना है और उसके बाद सिंगल लॉन्ग स्ट्रीम करना है यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद पेशेंट के पोस्टीरियर सरफेस को क्लीन करना है यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन एक्सिलरी तक नहीं करना है। एक्सिलरी को क्लीन करने के लिए हम लोग अलग से पेपर बैग यूज करेंगे, क्योंकि एक्सिलरी हमारा मोर कॉन्टामिनेटेड एरिया होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग पेपर बैग यूज किया है यहाँ पे देख सकते हो। तो उसको धीरे धीरे हम लोग क्लीन करके यहाँ पे पेपर बैग पे डाल देना है ठीक ऐसे। एंड अगेन टॉवल को पानी में टेप करके स्क्वीज करना है एंड सेम प्रोसेस, उसके बाद सेम प्रोसेस विथ सॉप एंड विथ वाटर कंटिन्यू करते जाना है। एंड अभी हमने जो प्रोसेस यूज़ किया है सिंगल आर्म को क्लीन करने के लिए, ठीक वैसे ऑपोजिट साइड पर जो आर्म होता है उसी को क्लीन करने के लिए भी सेम प्रोसेस करना है। हमने अभी पेशेंट के आर्म को कम्प्लीटली एंड क्लियरली क्लीन कर चुका है, अभी पेशेंट के सेस को क्लीन करना है। तो पेशेंट के सेस को क्लीन करने के टाइम अगर हमारा पेशेंट मेल पेशेंट है तो बेडशीट को लोअर एब्डोमिनल तक यहाँ पे लेके आना है यहाँ पे देख सकते हो। एंड पेशेंट को कंफर्ट दिलाना है ठीक से। हमने जो दो टॉवल लिया था उसी दो टॉवल में से एक टॉवल को पेशेंट के बैक पे देना है यहाँ पे देख सकते हो। धीरे से पेशेंट को लिफ्ट करके देना है ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो एंड ड्यूरिंग बाथिंग बेडशीट भी गीला ना हो उसी के वजह से। यहाँ पे हम फिर से बाथ टॉवल को स्टेंस करके दूसरा बाथ टॉवल लिया है। बाथ टॉवल को पानी पे टैप करके स्क्वीज करना है, टॉवल को अच्छे से स्क्वीज करना है ताकि ज़्यादा पानी टॉवल पे ना रहे। अगर हमारा पेशेंट मेल है तो बाथिंग के टाइम पे सिंगल फ्रेम लॉन्ग स्ट्रीम करना है यहाँ पे देख सकते हो। डायरेक्ट शोल्डर से लेके लोअर एब्डोमिनल तक यहाँ पे ऐसे सिंगल फ्रेम लॉन्ग स्ट्रीम करना है। इसी प्रोसेस को चेस्ट से लेके एब्डोमिनल तक फुल एरिया पे करते जाना है। सेम प्रोसेस विथ सिंगल फ्रेम लॉन्ग स्ट्रिंग विथ सॉप करना है। सॉप करने के टाइम पे फिर से वाटर से करना है। अप्लाई करने के बाद पेशेंट के चेस्ट को धीरे से टॉवल से ड्राई करना है। पेशेंट के चेस्ट को कम्प्लीटली एंड क्लियरली क्लीन एंड ड्राई करने के बाद पेशेंट के बैक को क्लीन करना है। पेशेंट के बैक को क्लीन करने के टाइम पे पेशेंट को राइट लेटरल पोजिशन देंगे यहाँ पे देख सकते हो। क्लीनिंग के टाइम पे सिंगल लॉन्ग स्ट्रोक करते जाना है यहाँ पे देख सकते हो। शोल्डर से लेकर लोअर तक सिंगल फ्रेम लॉन्ग स्ट्रोक करना है एंड सेम प्रोसेस सॉप के साथ करना है, सिंगल फ्रेम लॉन्ग स्ट्रीम और उसके बाद क्लीन वाटर से कम्प्लीटली करना है ताकि कोई सॉप पेशेंट के बॉडी पे ना रहे। अभी पेशेंट के स्किन को धीरे धीरे करके ड्राई करना है टैप करके। हम लोग रैपली टॉवल को यूज़ नहीं करेंगे, टैप टैप करके हम लोग पेशेंट के स्किन को ड्राई करेंगे एंड ड्राई करने के बाद पेशेंट को फिर से सुपाइन पोजीशन पे कंफर्टेबली लेके आना है। एस प्रोसीजर यहाँ पे देख सकते हो। एंड पेशेंट की जो सरफेस एरिया है उसको फिर से टॉप सील से हम लोग कवर करके देंगे पेशेंट के कम्फर्ट के लिए। हमने जो वाटर यूज़ किया है उसी वाटर को अभी सेंस करना है। एंड नेक्स्ट पेशेंट के लेग को क्लीन करने के लिए पेशेंट के लेग को धीरे धीरे एक्सपोज करना है। ड्यूरिंग एक्सपोज द लेग उसी टाइम पे पेशेंट के पेरिनियल पार्ट को एक्सपोज नहीं करना है। क्लीन करने से पहले टॉवल को पेशेंट के लेग के नीचे रखना है यहाँ पे देख सकते हो। एंड नेक्स्ट फिर से न्यू टॉवल लेके पानी पे टैप करके स्क्वीज करना है अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे लेग फिंगर से नी टक वन रो, उसके बाद टू रो, उसके बाद डायरेक्टली सिंगल फ्रेम लॉन्ग स्ट्रिंग करना है यहाँ पे देख सकते हो। एंड सेम प्रोसेस विथ सॉप एंड वाटर करके टॉवल से ड्राई करना है। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस पेशेंट को कोई तकलीफ हो तो उसी टाइम पे हम लोग प्रोसेस को स्टॉप करना है। एंड नेक्स्ट फिर से टॉवल को पानी में टैप करके स्क्वीज करके एंड नेक्स्ट पेशेंट के पोस्टीरियर सरफेस को अच्छे से क्लीन करना है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो धीरे करके हम लोग लीप करके पहले हम लोग फिंगर से नी टक लेके जाएंगे, उसके बाद हम लोग सिंगल फ्रेम लॉन्ग स्ट्रीम करना है यहाँ पे देख सकते हो। एंड क्लीनिंग के टाइम पे पेशेंट का जो ग्रोइंग एरिया होता है और पेरिनियल एरिया उसको हम लोग टच नहीं करना है। एंड अभी पेशेंट के लेग के फिंगर को क्लीन करना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो बेसिन पे डायरेक्टली पेशेंट के फिंगर को डाल के भी क्लीन कर सकते हो। फिंगर को अच्छे से क्लीन करने के बाद अच्छे से ड्राई करना है टॉवल से। ड्राई करने के टाइम पे हम लोग टॉवल से रैपली ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग टैप टैप करके हम लोग अच्छे से ड्राई करेंगे ताकि पेशेंट को कम्फर्ट मिले और तकलीफ ना हो। एंड सेम प्रोसेस विद अदर लेग के साथ भी करना है। पहले हम लोग पानी से करेंगे, उसके बाद सॉप से एंड उसके बाद फिर से क्लीन वाटर से करना है।
विद अनदर साइड ऑफ लेग। पेशेंट का कम्प्लीटली बेड बार हो गया, लेकिन पेशेंट का जो पेरिनल एरिया होता है जैसे जेनिटल और रेक्टल, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को एक्सप्लेन करके उसे क्लीन करने के लिए बोलेंगे। पेशेंट की पेरिनल केयर होने के बाद पेशेंट को ड्रेस देंगे एंड ड्यूरिंग बर्थिंग पेशेंट को कोई बेड शोर हो या रेडनेस हो तो उसको हम लोग नोट करना है एंड हमने जो बेड बार करे उसको भी नोट करना है। एंड आज का वीडियो यही तक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।